गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम समस्याओं से गिर जाते हैं। देखा जाए तो समस्याओं का दूसरा नाम ही जीवन है। कहीं ना कहीं समस्याएं नहीं आती तो भी जीवन की परिभाषा को हम पूर्ण नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। ना सिर्फ एक समस्या बल्कि एक समस्या सोल्व करते हैं, उसे समाधान की तरफ लेके जाते हैं, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है, और जब दूसरी समस्या सोल्व करें तब तक तीसरी आ जाती है। देखा जाए तो कई बार हम चारों तरफ से घिर जाते हैं। आइए हम समझें कि ऐसे विषय पे हमें क्या करना चाहिए कि जब हम चारों तरफ से कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। देखा जाए तो ऐसे बोला जा सकता है कि आगे कुआं पीछे खाई और पड़ोस में भी सब कुछ ऐसा ही। हम कहीं भी नहीं जा पाते तो उस समय में हमें क्या करना चाहिए। आइए इसे हम एक स्टोरी के रेफरेंस से समझते हैं। जीवन में राइट ब्रेन का एक्टिवेशन हमेशा इमेजिनेशन से रहा है। हो सकता है ये पूरी वीडियो आपको याद न रहे, लेकिन इसमें बताई गई स्टोरी आपको कई समय तक, काफी लंबे अंतराल तक आप इसे दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्योंकि स्टोरी का एक सेंस इस तरीके का होता है जो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। आइए हम इस स्टोरी को समझें। और वायु की एक हिरन माँ बनने वाली थी। प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है तो वो कोशिश करती है जंगल में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां वो कंफर्टेबल अपने बच्चे को जन्म दे सके। इधर उधर काफी घूमने के बाद उसे एक नदी के किनारे ऐसी जगह मिली जहां बड़ी बड़ी घास है, कंफर्टेबल शांत माहौल है। और वहां पे जाके जैसे ही वो बच्चे को जन्म देने वाली थी तो उसने राइट साइड में एकदम से देखा कि एक शिकारी उसका इंतजार कर रहा है। और इसी दौरान थोड़ी थोड़ी बिजली भी कड़कने लगी। जैसे ही उसने शिकारी का ध्यान तो कर लिया तो उससे बचने के लिए उसने राइट की तरफ की जगह दूसरी तरफ मुड़ी तो उसने देखा कि वहां पे एक शेर उसका इंतजार कर रहा है कि कब इसमें मैं शिकार करूं। जैसे ही इधर आई, इधर बिजली कड़कती है तो धीरे धीरे जंगल के पिछले हिस्से में उस घास के बिल्कुल पास में सूखी घास होने के कारण जंगल में थोड़ी थोड़ी आग लग जाती है। देखते देखते आग बढ़ रही है, इधर से शिकारी भी निशाना लगाए बैठा है और उधर मुड़ा जाए तो एक शेर भी शिकार के इंतजार में है। सामने देखें तो नदी का पानी इतनी तेजी से बह रहा है तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन हो जाती है। आप मुझे बताइए, इस समय में हिरनी जो है या फिर हिरन जो जन्म देने वाली है बच्चे को, क्या आपको लगता है कि वो बच पाएगी, या वो आग में ही जल जाएगी, या फिर वो उस शेर का शिकार हो जाएगी, या वो शिकारी के उस निशाने को बिल्कुल उसके सामने आएगी और शिकार कर ले जाएगा शिकारी, या उसका बच्चा सेफ रह पाएगा नहीं, क्या उसे पानी में कूद जाना चाहिए। तो इतनी सारी कंफ्यूजन उस हिरन के भी दिमाग में आई। लेकिन आपको जान के बड़ा विशेष लगेगा कि उसने देखा आगे भी कुआ है, पीछे भी खाई है, पड़ोस में भी दिखते हैं, तो उसने सारी जगह से ध्यान हटा के उस प्रेजेंट मोमेंट में जो उसको काम करना था उस पर उसने ध्यान लगाया। जी हाँ, उसने अपने बच्चे को जन्म देना शुरू किया और देखते ही देखते कुदरत का करिश्मा चालू हुआ। थोड़ी थोड़ी बिजली कड़क रही थी और वो बिजली थोड़ी ज्यादा कड़की तो जो निशाना शिकारी को लगाना था उसकी आंखें चौंध जाती हैं और उसका सही निशाना उस हिरनी पे लगने की बजाय, जो अभी माँ बनने वाली थी, उसकी बिल्कुल साइड से तीर निकलता है और सामने शेर है उसकी आंख में वो तीर जा लगता है। शेर घायल हो जाता है, दहाड़ना चालू कर देता है और शिकारी को इस बात का डर लगता है कि यहाँ पे शेर भी था, कहीं मैं खुद ही शिकार ना हो जाऊं। शेर आंख में तीर लगने के कारण कुछ भी देख नहीं पाता, इधर उधर घूमना इधर उधर भागना चालू कर देता है और शिकारी इस डर से वहां से चला जाता है। और जो बिजली कड़क के आग लग गई थी उस आग के कारण अभी तो ऐसा माहौल हो गया था कि यहाँ पे आग ही आग है कि सब कुछ जल के राख हो जाएगा, लेकिन ठीक थोड़े समय बाद जहाँ बिजली कड़क रही थी वहां बारिश होनी चालू हो गई और उसके बाद जीवन में उस पूरे के पूरे जो जीवन कभी अभी शुरू ही नहीं हुआ था, जो जीवन अभी एक खत्म होने वाला था, यानी एक माँ और एक बच्चा, इन दोनों का जीवन बिल्कुल एक चरम सीमा पे था और अब बिल्कुल शांत हो चुका था। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में जब चारों तरफ से समस्याएं होती हैं तो इस बात पे दिमाग लगाने की बजाय कि मैं ये करूं या वो करूं, कभी कभार थोड़ा सरेंडर हमें कर देना चाहिए। जी हाँ, समर्पित भाव जीवन में हमें आगे बढ़ाता है। एक टीचर 10,000 रुपए कमा के भी एक समर्पण भाव के कारण ही अपने बच्चे को IAS बना पाता है। यदि आपका समर्पण भाव, सीखने की भावना आप में नहीं होती, आपको दूसरे के प्रति डेडिकेशन नहीं होता, तो आप जीवन में आगे नहीं कर पाते कुछ भी। जब आप चारों तरफ से गिर जाएं, तो सारा का सारा समर्पण अपनी कुदरत के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपनी प्रकृति के लिए, जिस भी चीज ने हमें बनाया है उसके ऊपर छोड़ दें,
अब उसके हाथ में है कि जीवन में वो क्या करेंगे। शेर आपके सामने आ जाए तो कई मजाक में लोग बोलते हैं कि अब आप क्या करेंगे जब शेर आ जाए, तो आप तो शेर ही करेगा, हमें बस इंतजार करना है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। यानी कई बार कर्म को रोक देना भी जीवन में सफलता होती है। इसीलिए अपने प्रेजेंट मोमेंट में जो भी समस्याएं हैं, जैसी भी हैं, उनसे आप निश्चित एक दिन बाहर निकलेंगे। बस थोड़ा सा समर्पण अपने ही प्रकृति के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपनी कुदरत के लिए करें। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। इसी प्रकार की वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और साथ में हमारी मनोवैज्ञानिक सेवाएं आपके विपरीत समय में आपकी मदद कर सकती हैं। आप चाहें तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके बातचीत कर सकते हैं। हमारा हरेक सेशन प्राइवेट, नॉन जजमेंटल, सेफ और नॉन एडवाइजेबल रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।